सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैट एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त अजद फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अबाउट प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ठीक है कि हम प्लम्बिंग सिस्टम को और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल के ऊपर रहेगा, हम प्लम्बिंग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से करेंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें चीज़ें वहाँ पर करनी रहेंगी वो मैं अभी आपको थोड़ा सा बताऊँगा। ठीक है, आज हमारा फोकस रहेगा पूरी तरह से डिज़ाइनिंग के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे रेविट मैंने एक नई फाइल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से सिस्टम डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ, और यहाँ से सिस्टम डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से मैं कोई फाइल इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो एक RVT फाइल यहाँ से लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए मैं यहाँ से इंसर्ट में गया, और यहाँ से मैंने लिंक फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ पे आता हूँ मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैंने अपनी फाइल सेव करके रखी हुई है। न्यू फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट किया, मैंने रखा सेंड टू सेंटर एंड ओके कर दिया। तो एज यू कैन सी हमारी फाइल इम्पोर्ट हो चुकी है। अब उससे पहले अगर हम डिज़ाइनिंग पे आगे बढ़ें तो सबसे पहले हमारा जो काम रहता है वो रहता है कॉपी एंड मॉनिटरिंग का। तो कॉपी एंड मॉनिटरिंग कर लेते हैं। तो कॉपी एंड मॉनिटरिंग के बारे में मैंने हमारी MEP का जो कोर्स है उसमें हमने कवर किया हुआ है। स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज़ में आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसकी कॉपी एंड मॉनिटरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको किया 12 फिट, सॉरी बाकी जो ये लेवल्स हैं अलग से, मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी एंड मॉनिटरिंग के लिए आपको करना क्या है, कोलैबोरेट टैब पे आना है एंड यहाँ से मैं कॉपी एंड मॉनिटरिंग कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी हम लोगों ने कॉपी एंड मॉनिटरिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, व्यूज़ जनरेट करने हैं ताकि हम आगे लेवल्स पे कॉपी कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ प्लान व्यूज़ में, यहाँ से गए फ्लोर प्लान पे। फ्लोर प्लान पे आने के बाद ऑलरेडी हमें लेवल्स दिए हुए हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे जाना है एडिट टाइप पे। एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ पे आना है कि किस पे अप्लाई होने वाले हैं। तो यहाँ पे आना है टेम्पलेट व्यू पे, और यहाँ पे आना है सबसे पहले तो आपका ना यहाँ पे आइडेंटिटी पे, फिर यहाँ पे आना है मैकेनिकल प्लान पे। क्लिक किया यहाँ से, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल में लिया मैंने लाइटिंग, तो क्योंकि मुझे लाइटिंग पे अप्लाई करना है। ओके किया एंड यहाँ से अप्लाई करके ओके कर दिया। अब इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ऐसे सेम हम लोग सीलिंग पे करेंगे। मैं यहाँ से रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान पे जाता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, यहाँ के नन पे क्लिक, मेरे को करना है इलेक्ट्रिकल पे काम, और यहाँ से मैंने किया लाइटिंग अप्लाई ओके एंड देन सेलेक्ट किया और फिर ओके कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेवल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं सीलिंग भी जनरेट कर देता हूँ। तो सीलिंग के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ आर्किटेक्चरल टैब पे, और यहाँ से मैं सीलिंग जनरेट कर लेता हूँ। तो मेरे को ऑटोमेटिक सीलिंग रखनी है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे स्पेसिस भी दे देता हूँ ताकि हमें एरिया का पता चल सके। ठीक है, स्पेसिस देने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ एनालाइज टैब पे, और मैंने लिया स्पेसिस। अभी हमने रूम बाउंडिंग नहीं किया, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पेस लगा देता हूँ। तो मैंने किया रूम बाउंडिंग और यहाँ पे ओके किया, फिर स्पेस टैग दिए यहाँ पे मैंने। मैं कोई किसी पर्टिकुलर रूम का नाम नहीं दे रहा यहाँ पे अभी, मैं जस्ट यहाँ पे अभी डिज़ाइनिंग जो हमारा मेन फोकस है हम उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीलिंग प्लान पे आते हैं ताकि वो सीलिंग उसके ऊपर लग जाए, ताकि क्योंकि हमने इसीलिए अप्लाई किया था
यहाँ से मैं, क्योंकि जो हाइट है वो रूफ़ की वो 12 फिट तक है, तो यहाँ से हम लोग सीलिंग की हाइट जो है वो 10 फिट पे रख सकते हैं। तो मैंने सीलिंग 10 फिट पे रखा और यहाँ से सीलिंग क्रिएट कर दिया, ताकि सीलिंग में इसलिए क्रिएट करता हूँ ताकि हम लोग लाइटिंग फिक्चर्स अप्लाई कर सकें। तो यहाँ से सबसे पहले तो आते हैं सिस्टम टैब पे, यहाँ से मैंने लिया लाइटिंग फिक्चर। लाइटिंग फिक्चर लेने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ प्लेस ऑन फेस। तो प्लेस ऑन फेस से लाइट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, एंड देन सेम इसी को इसी अलाइनमेंट में रखेंगे, और एक को ठीक यहाँ पर और एक को आगे इसी सीध में आगे की तरफ। ठीक है, दो लाइट्स यहाँ अप्लाई होंगी। सेम हम इसको इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक हम लोग करेंगे मिडल में और एक हम लोग करेंगे यहाँ पे एंड में। एक यहाँ अप्लाई करेंगे इस तरह से, और एक हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे एंड एक यहाँ अप्लाई करेंगे। तो एज यू कैन सी इट्स अप्लाइड। अब इसके बाद आपको आना है लाइटिंग यानी कि लेवल वन पे, यानी लाइटिंग वन पे। यहाँ से सबसे पहले तो आपको सिस्टम स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे लेना है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपको लेना है पैनल बोर्ड। ठीक है, पैनल बोर्ड लेंगे यहाँ से 100 एम्पियर का। ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं नॉर्थ व्यू पे आता हूँ। नॉर्थ व्यू पे आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से हम लोग आएंगे, पहले मैं कॉन्ड्यूट्स लेने, तो मैं यहाँ से कॉन्ड्यूट ले लेता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से हमने जनरेट किया, सबसे पहले तो मैं इधर से जनरेट कर रहा हूँ, और जो कॉन्ड्यूट का जो साइज़ है वो 2 इंच का लिया हुआ है, यहाँ से 1 इंच कर देते हैं, हमें 1 इंच का ही रखना है, 1 इंच। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इस लेवल तक लेके जाता हूँ हल्का सा ऊपर, एंड देन इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ टॉप व्यू पे, सॉरी सीलिंग प्लान पे। सीलिंग प्लान पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे वो पाइप नहीं दिख रहे, तो मैं इसे फाइन कर देता हूँ। लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा बिकॉज इसके लिए, अगर वैसे पहली बात तो मैं बता दूँ, जो भी वो पाइप हमने बनाया वो दिख नहीं रहा। अब ये पाइप इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये पाइप अभी ऑफ है, यानी कि जो इसका विजिबिलिटी वाला ऑप्शन है वो ऑफ है। तो ऑन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको आना है विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, ये ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक किया मैंने यहाँ से। हम लोग सभी व्यूज़ में जो कॉन्डक्ट फिटिंग्स हैं उनको ऑन कर देते हैं, केबल ट्रे को भी ले लेते हैं ऑन, और आप काम कर पाएंगे। मैंने अप्लाई करके ओके किया और आ गया। ऐसे ही सेम हम लोग बाकी सभी व्यूज़ में भी अप्लीकेबल कर देते हैं। अच्छा, और ऑलरेडी है तो मैं इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हम लोग यहाँ से अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले तो लाइटिंग पे, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये पाइप हमें शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिस्टम स्टेप पे जाता हूँ और कॉन्ड्यूट लेता हूँ और इस तरह से लेके जाता हूँ आगे तक। ठीक है, क्योंकि हमें लाइटिंग फिक्चर्स को यहीं तक ही रखना है। ठीक है, एंड मैं यहाँ से व्यू पे आता हूँ, तो एज यू कैन सी जो हमने बनाया था वो आ चुका है। तो दिस इज़ द पाइपिंग। अब इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं केबल ट्रे। तो केबल ट्रे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो केबल ट्रे लेते हैं। तो सिस्टम स्टेप पे आया, यहाँ पे मैंने लिया केबल ट्रे। क्रिएट किया यहाँ से, और यहाँ सॉरी आगे तक गया मैं, और यहाँ पर यहाँ से मैं आता हूँ केबल ट्रे पे, और यहाँ तक मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, मैं यहाँ से आता हूँ नॉर्थ पे, और एज यू कैन सी ये थोड़ा साइड में आ रहा है, इसको थोड़ा मूव करवा लेंगे विद हेल्प ऑफ एरो की। कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो ये पाइप है इसको भी हम लोग इस तरह से साइड मूव करवा लेते हैं।
क्योंकि हमें इधर रखना है, पाइप को आउटर में नहीं रखना, इस तरह से रखेंगे। तो एज यू कैन सी ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, हमने लैडर वाला सेलेक्ट किया था, ठीक है। अभी इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फाइन पे। तो एज यू कैन सी अभी ज़्यादा डिटेल में हमें नज़र आएगा। यहाँ पे हमें पाइप भी दिख रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ तक आगे तक ले लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ईस्ट एलिवेशन पे फिर से, ठीक है। ईस्ट एलिवेशन पे सॉरी आई थिंक हम लोग मैकेनिकल पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पे आना है, तो इलेक्ट्रिकल वाले पे लेंगे और मैंने इसको हाइड किया और इसको भी मैंने हाइड किया और यहाँ पे इस तरह से रखा और पाइप ले, और यहाँ से हम लोग लेते हैं कॉन्ड्यूट्स और कॉन्ड्यूट को यहाँ से यहाँ तक इसको कम्प्लीटली जोड़ देते हैं, सॉरी। तो इसके लिए यहाँ पे मैं नॉर्थ पे आता हूँ, तो नॉर्थ से क्रिएट करते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से एक नया रूटिंग ही क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्ट, इस समय आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोबारा से ले रहे हैं हम एक नया कॉन्ड्यूट और यहाँ से एक इंच के ऑफसेट के साथ एंड देन क्रिएटेड इस तरह से। यहाँ पे आते हैं इस टेलीविजन पे और इसको यहाँ तक रख लेते हैं, तो एंगल काफ़ी छोटा आ रहा है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जो बेंड रेडियस है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे, बेंड रेडियस को आधा इंच ही रखा है, यहाँ पे छोटा है ज़्यादा, तो यहाँ पे हम लोग एक इंच कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं, तो जैसे ये क्रिएट हो गया इस तरह से, कुछ हम लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। 3D पे आके देखें तो हमारा ये ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे पाइप शो नहीं हो रहा है किसी रीज़न से, तो हाँ कुछ इस तरीके से आपका क्रिएट हो गया। वो पाइप थोड़ा सा अंदर जा रहा है तो आपको थोड़ा इसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे ये नॉर्थ पे आ जाता हूँ, जो पाइप है वो इस तरह से आ रहा है, थोड़ा सा आपको साइड लेना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्रिएट कर देंगे। तो यह आपका पहला क्रिएट हो गया। अब बाकी भी हमें रूटिंग देनी है, तो सेम हम लोग वापस से यहाँ पे आ जाते हैं सीलिंग प्लान पे। तो सीलिंग प्लान पे आने के बाद मैं यहाँ से डक्ट रूटिंग यहाँ से क्रिएट कर देते हैं केबल, ठीक है। तो यहाँ से मैं केबल रीडिजाइनिंग करता हूँ। अब यहाँ पे जो लेवल ऑफसेट है वो आप देख सकते हो 4 फीट 9 इंचेस है, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये 10 फीट 8 इंच आ रहा है। तो मैं केबल ट्री भी इसी लेवल पे रखनी है, तो मैं यहाँ से 10 फीट 8 इंचेस रखा मैंने ताकि सेम हाइट आए इसकी। यहाँ से हम लोग केबल ट्री डिज़ाइनिंग करेंगे, थोड़ा सा साइड से लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप ये कर सकते हो, तो सबसे पहले एक अलग से हम लोग रूटिंग बना लेते हैं। ये एक्चुअली जो ये है ये थोड़ा छोटा है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, मैं लाइटिंग को आगे ले रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ इसको यहाँ पे मैं। इससे क्या होगा कि लेंथ में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ये इसलिए मैंने किया ताकि लेंथ प्रॉपर आए। तो यहाँ से मैं केबल ट्रे लेता हूँ और बीच से यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। एज यू कैन सी मैं इसी की क्या बात कर रहा था कि लेंथ की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से। सेम इसको भी हम इस तरह से क्रिएट कर देंगे। अभी जैसे आप देख सकते हो कि जो माउस पे जो क्रॉस का साइन आ रहा है, इट मींस ये क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बेंड रेडियस है वो 12 इंच का आ रहा है, तो यहाँ से मैं 6 इंचेस का कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, अभी क्रिएट हो पाएगा, अभी भी ऐसे शो कर रहा है। तो थोड़ा और गम ले लेते हैं, मैंने किया 3 इंच का,
तो अभी भी ऐसे शो कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं और आगे ले लेता हूँ। हाँ अभी बन जाएगा, तो एज यू कैन सी वहाँ पे क्रिएट हो गया। और यहाँ पे मैं बीच से ही इस तरह से क्रिएट कर देता हूँ, बाकी इसको भी सेम हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला जो पार्ट है हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ सिमेट्री में नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ से अलग से एक दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरोज कीज हम इसको कम कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, हमने एक और यहाँ से क्रिएट किया, या फिर आप ये कर सकते हो यहाँ पे एक क्रिएट कर लो यहाँ से, तो एक व्यू वे क्रिएट हो गया ऐसी। तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो अब देखो ये सेम वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दूसरी जगह से क्रिएट करते हैं। तो सेम हमने यहाँ से क्रिएट किया, एंड देन एज यू कैन सी इट्स क्रिएटेड। ऐसे ही मैं बाकी केबल ट्रे भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारा जो केबल ट्रे रूटिंग है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको 3D में आके दिखाऊं तो ये आपका केबल ट्रे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इसको हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे मैं पाइपिंग रूटिंग क्रिएट करता हूँ, तो पाइपिंग रूटिंग के लिए यहाँ से मैं आता हूँ इस नॉर्थ एलिवेशन पे, ईस्ट पे नहीं आऊँगा मैं। तो यहाँ से हम पाइपिंग ले लेते हैं, तो सिस्टम स्टेप पे गए, यहाँ से मैंने कॉन्ड्यूट सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर दूसरा पाइप लिया इसी के साथ साथ में, एंड यहाँ से इसको क्रिएट किया, और मैं इसको यहाँ तक ले कर जाऊँगा इसके बराबर। और इस तरह से लेके जाएंगे, तेज़ ज़्यादा एंड में दे दिया हमने। एक्चुअली ये जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये एक्चुअली ये पार्ट हमने थोड़ा सा गलत क्रिएट किया है, इसको हम लोग थोड़ा साथ में सटा के रखते हैं, ताकि क्योंकि ये पार्ट हमारा जो है ये दूसरी तरफ आएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट करता हूँ, इसको यहाँ से नहीं थोड़ा और आगे से लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से आगे कंटिन्यू किया, और इसको यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे ले रहा हूँ, एक सेकेंड, कैंसिल किया मैंने यहाँ से, तो यहाँ से पाइपिंग रूटिंग में डिज़ाइन कर रहा हूँ, ताकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, एज यू नो। अच्छा ये आगे शो नहीं कर रहा है किसी रीज़न से। ये जो रूटिंग रहेगा, ये जो पाइप रूटिंग रहेगी, ये मैंने यहाँ से दे दिया। अब जो ये पाइप रूटिंग रहेगी वो इस तरह से चला जाएगा आगे तक, यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे कैन सी ये हो गया हमारा। बाकी अब यहाँ पे जो बीच का एरिया बचता है इसको भी कर देते हैं सही। तो यहाँ से हमने फिर से कॉन्ड्यूट लिया, सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैंने लिया और यहाँ तक क्रिएट कर दिया। तो एज यू कैन सी हमारा बन गया यहाँ पे। अब मैं आपको 3D में आके दिखाऊँ, तो ये कुछ 3D में ऐसा कुछ बना है, ठीक है।
बाकी अगर मैं रियलिस्टिक में दिखाना चाहूँ तो यहाँ से मैं रियलिस्टिक में दिखा सकता हूँ। तो एज यू कैन सी ये हमारा क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे बाकी दो तीन रूटिंग्स जाएंगी, जैसे कि एक यहाँ के लिए जाएगी, एक आगे जाएगी यहाँ से, ठीक है, और एक को हम लोग आगे भेज देंगे, और बाकी की जो रूटिंग्स हैं वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगी बाकी एरिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी है। तो यहाँ से मैं सेलिंग प्लान पे फिर से आता हूँ। हमने यहाँ से एक और पाइप लिया, या फिर सॉरी यहाँ पे हम आते हैं एलिवेशंस में। मैं गया यहाँ से नॉर्थ एलिवेशन पे। तो नॉर्थ एलिवेशन पे आने के बाद सिम सिस्टम स्टैप पे गया, कॉन्ड्यूट लिया यहाँ से, और क्लिक करके थोड़ा ज़्यादा पास हो गया। मैं एक बार कैंसिल कर रहा हूँ, हमें ज़्यादा पास नहीं लेना, थोड़ा सा दूर लेते हैं, और हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। वही सेम वही साइज रखा है हमने, वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं पहले आई थी। इसके लिए मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से सेव किया मैंने। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, और यहाँ पे रेबिट MEP वाली एक फ़ाइल मैंने बनाई हुई, यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के नाम से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क के नाम से मैंने इसको सेव किया, ठीक है। .rbt फाइल रहेगी, थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में। अब आगे इस तरह से लिया मैंने, और आगे तक कंटिन्यू करेंगे, और मैं एंड तक जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने लिया और आगे तक गया, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमारा केबल ट्रे डिज़ाइन हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बचता है, यहाँ से मैंने एक और पाइप ले एक और क्रिएट किया, और यहाँ तक लेके चला गया। तो एज यू कैन सी इस तरह से आ गया। अब बाकी की जो पाइप्स बचती हैं वो एंड का बच रहा है। अब यहाँ से एक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फिर जो अंदर का पाइप रहेगा वो यहाँ से लेके इस तरह से आपका रूटिंग रहेगा, ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, यहीं पर ही सेम यहाँ पे हम दोबारा से जाएंगे नॉर्थ एलिवेशन पे और पाइप क्रिएट करेंगे। मुझे थोड़ा सा आपको शायद लंबा लग रहा होगा, क्योंकि यही तरीका है क्रिएट करने का। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पास से क्रिएट करता हूँ, और स्टार्ट किए यहाँ से बनाना। थोड़ा सा प्रोसेस देखिए लंबा है, लेकिन जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग प्लान पे जाते हैं। सीलिंग प्लान पे जाने के बाद हम यहाँ पे पाइप हमें दिया ही हुआ है। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा शायद वीडियो थोड़ी तेज़ लग सकती है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो आप बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद
यहाँ पे मैं 3D व्यू पे आता हूँ, तो एज यू कैन सी जो हमारा वायरिंग का जो कंड्यूट रूटिंग था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे दोबारा से टॉप लेवल पे आते हैं यहाँ पे, या फिर 3D व्यू पे ही आके यहाँ से हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं फिल्टर पे, ठीक है। फिल्टर पे हमें क्या क्या कॉपी करना है, तो हमें करना है केबल ट्रे, केबल फिटिंग्स, कंड्यूट रूटिंग, कंड्यूट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइटिंग फिक्चर्स, अप्लाई करके ओके किया। यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड लेवल किया। यहाँ पे हमें करना है लेवल 2 से और लेवल 4 तक, मैं 5 पे नहीं कर रहा हूँ वरना ये छत से ऊपर चला जाएगा, एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से लेवल 1 पे तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेवल 5 को मैं छोड़ रहा हूँ और ओके कर दिया। यहाँ से बाकी लेवल्स पे भी ये क्रिएट हो जाएगा। तो एज यू कैन सी क्रिएट हो गया ये इस तरह से, ठीक है। अब आगे की इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ईस्ट एलिवेशन पे आ जाता हूँ, सॉरी नॉर्थ पे आता हूँ। अब जो हमने क्रिएट किया है, अब इन सबको जोड़ना भी है एक उसमें, तो यहाँ पे मैं कॉन्ड्यूट रूटिंग लेता हूँ और जो इन कॉन्ड्यूट का जो साइज़ रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पर हम 1 इंच के बजाय 2 इंच लेके चलते हैं। तो 2 इंच का जो पाइप है वो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, सेम साइज़ का लेंगे, यहाँ से मैंने क्रिएट किया और आगे तक ले गया और यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आएंगे और इस तरह से, ठीक है, ताकि ये दिखा सके कि वायरिंग किस तरह से जा रही है। तो यहाँ पे फिनिश किया और इस तरह से दिखाएंगे, क्योंकि दिखाने का मेरा पर्पस क्या है कि ये इस तरह से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने पाइप रूटिंग क्रिएट की है ये बाहर जा रहा है, मतलब एक तरीके से, मतलब बाहर जो है ट्रांसफॉर्मर है वगैरह जो भी है वो उससे कनेक्टेड है, मतलब सेपरेट फ्लोर से, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से हमने लिया और ऐसी सेम हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, मैं ऐसे क्रिएट कर दिया। सो यहाँ से मैं डायरेक्ट आके दे देता हूँ। तो ऐसे अब यहाँ पे अगर मैं आपको 3D पे आके दिखाऊँ तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ, तो हम एक पावर सिस्टम क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं एडिट सर्किट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट पैनल, तो यहाँ से मैंने पैनल सेलेक्ट किए, सॉरी पैनल तो ये ऑलरेडी है ही, इसके अलावा और भी पैनल्स हैं, जैसे इनको पैनल को सेलेक्ट किया एंड देन फिनिश। तो एज यू कैन सी हमारा काम इस तरह से क्रिएट हो गया। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिज़ाइन, ठीक है। तो किस तरह से आप इलेक्ट्रिकल वाला काम कर सकते हो, अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अबाउट प्लम्बिंग के बारे में, ठीक है, कि प्लम्बिंग सिस्टम में वाटर सप्लाई किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सिंक का जो सप्लाई है वो किस तरह से रख सकते हैं, तो वो चीज़ें की हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हम ऐसे ही कैड से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, सॉल्यूशन बेस्ड ट्यूटोरियल्स लेके आते रहते हैं। इसके अलावा आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया ये सारा सिर्फ डिज़ाइनिंग का पार्ट है, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या फिर डिटेल पोर्शन की मैं बात करूँ जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया वो हम अपनी ट्रेनिंग्स में देते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं और भी डिटेल कोर्स के लिए जो मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल को और भी डीप में जानना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे कांटेक्ट आप कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो हमारे कोर्स की रिगार्डिंग, ठीक है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं इसको, ठीक है, कम्प्लीटली। सो बस आज के लिए इतना ही, टिल देन दिस इज रजत फासिलिया सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर।